शाम के करीब 7 बज रहे थे। ट्रेन में लोग सफर कर रहे थे, कोई अपने घर, कोई किसी यात्रा पर, तो कोई किसी और काम से अपने सफर पर निकला हुआ था। इसने सोचा था कि ये शाम इतनी भयानक होगी कि सब खत्म हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ट्रेन का सफर आखिरी सफर होगा। अचानक रेलवे ट्रैक पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 1000 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रात से ही पुलिस की गाड़ियां वहां मौजूद हैं। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी वहां पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर बताया कि वो ओडिशा के लिए रवाना हो रहे हैं। भुवनेश्वर और कोलकाता से भी बचाव दल जुटाया गया है। एनडीआरएफ, राज्य सरकार और एयरफोर्स की टीम मौके पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीएमओ के मुताबिक घायलों के लिए 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। इससे पहले रेल मंत्री ने भी ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए सहायता राशि देने और इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक स्तंभ परिवारों के साथ है। घायल जल्द स्वस्थ हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहां जारी एक संदेश में कहा कि उन्हें ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना में लोगों के मारे जाने के समाचार से गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा रेल दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बालासोर में हुई रेल दुर्घटना बेहद दुखद है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। अन्य टीम भी राहत और बचाव अभियान के लिए पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित लोगों के परिजनों के प्रति उनकी संवेदना है और वो घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वो इस बड़े हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बालासोर जिले में हुई रेल दुर्घटना के पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्रेन दुर्घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि घायल यात्रियों की जान बचाना अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको यह बता दें कि अब इस हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ता